मुंबई की एक विशेष अदालत ने शहर में एक चौल के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के मामले में शिवसेना के सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत को 19 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। दरअसल संजय राउत की न्यायिक हिरासत 5 सितंबर यानी कि आज खत्म हो रही थी, जिसे अब कोर्ट ने 14 दिनों तक के लिए बढ़ा दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने राउत को गोरेगांव उपनगर स्थित पात्रा चौल के पुनर्विकास के कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में 1 अगस्त को गिरफ्तार किया था। ईडी की हिरासत में रहने के बाद शिवसेना के नेता को 8 अगस्त को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। धन शोधन रोकथाम कानून से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने सोमवार को राउत की हिरासत अवधि 5 सितंबर तक बढ़ा दी। ईडी ने अदालत को बताया कि मामले में उनकी जाँच अब भी जारी है। ईडी की जाँच पात्रा चौल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं और राउत की पत्नी तथा सहयोगियों के संबंध वित्तीय लेनदेन से जुड़ी है।